दिल्ली राजनीति हलचल ऑपरेशन लोटस फेल आम आदमी पार्टी को भांगिबारे विफल होइछि बीजेपी सरकार किछि समय पई आप सहित संपर्क रे नथिले दलर किछि विधायक दिल्ली रे क्षमतासीन आम आदमी पार्टी रो प्राय 25 जन विधायक हठात किं वडे चली जाइथिबा नि चर्चा होइतिला एर भितरे आप पक्ष रे एक जरूरी बैठक डका जाइथिला जेउथरे प्रथमे दलर प्राय 57 जन विधायक उपस्थित रहिथिले 9 जन विधायक अनुपस्थित थिबा कथा कुहा जाउथिला एवं पार्टी हाईकमांड अनुपस्थित थिबा नेतांक सहित संपर्क करिया पे चेष्टा करथिले मध्य ताहा संभव होई पार नथिला किंतु परवर्ती समय रे 53 जन विधायक प्रत्यक्ष भावरे जाई कि से बैठक रे जोगो देथिले एवं अन्य मानकु फोन जोगे जोगाजोग करा जाइथिला सेमाने भी तांकर उपस्थिति संपर्क रे जणाइथिले तरु जो भय रहिथिला कि किछि विधायकक संपर्क रे कोनसे सूचना मिलि पार नहि बा पार्टी सेमानक सहित लिंक रे नहि ताहा भूल प्रमाणित हला समस्त विधायक पार्टी सहित रही एने गोटे प्रकार स्पष्टोक्ति पार्टी एवं आप को भांगिया बीजेपी तार समस्त प्रचेषा जारी करने सत्वे ऑपरेशन लोटस फेल मारी किसी संगीन अभियोग आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आनी केजरीवाल एक कि आप 40 विधायकों बीजेपी टंका दे किणापी चेस्टा कर प्रति विधायकों पर 20 कोटी लेखाएं टंका अफर दि जाइवा आप नेता अभियोग कर आम आदमी दलर राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते बीजेपी लोकमाने आम विधायकों भेटापी आसी धमक देते मनीष सिसोदिया भली नकली मामला दाखल करे से कहते जे सरकार भांगापी यह हूँ बीजेपी उपाय किंतु मनीष सिसोदिया क्षेत्र में यह भूल प्रमाणित है वर्तमान विधायक मान भांगापी 20 कोटी रु 50 कोटी प्रलोभन दि जाऊँगी 70 सीट थिबा दिल्ली विधानसभा रे आप 62 जन विधायक थिबा बेले बीजेपी पाखे अच्छा 8 विधायक लेकिन जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें वो मैथ्स देखें हम तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ये काला धन ही होगा लेकर खड़ी है विधायकों को दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को गिरा सके। हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी धमकी दी गई थी, उनको भी कहा गया था कि अगर तुमने हमारा ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर ये केसेस आगे बढ़ेंगे, नहीं तो केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, दिल्ली सरकार को गिराने का पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है।